डियर फ्रेंड्स, हमने अभी तक तीन सेशन देख लिए हैं वर्ड पावर मेड इजी के, जो एक नॉर्मल लुइस जो राइटर हैं इस बुक के। इसके अंदर हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूट वर्ड्स हमने देखे हैं। जैसे कि मैंने सेशन वन जो स्टार्ट करवाया था उसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में 10 वर्ड्स बताए थे, फिर उन 10 वर्ड्स से बनने वाले वर्ड्स मैंने आपको सेकेंड और थर्ड सेशन में कराया था, और उनकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ मैंने करवाई थी। उनकी प्रोनंसिएशन हो गई और उनकी साथ में कि आपके सामने कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसके बारे में आपको कुछ लिखना होगा वहाँ पे, वो सब हमने सेशन टू में और सेशन थ्री में हमने देख लिया था। आज हम सेशन फोर, वो ख़त्म हो चुका था, अब सेशन फोर जो स्टार्ट हो रहा है, हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, अब कि डॉक्टर्स के बारे में कैसे बात करें, उनके क्या क्या नाम होते हैं, कौन सी फील्ड होती है, वो हम देखने वाले हैं। और आज फिर से वही सेशन 10 के अंदर हम सेशन 4th के अंदर हम क्या करेंगे, 10 वर्ड्स देखेंगे सिंपल, अभी फ़िलहाल 10 वर्ड्स देखेंगे। फिर जो सेशन 5 जो स्टार्ट होगा उसके अंदर हम कुछ एक वर्ड्स लेंगे उन्हीं 10 वर्ड्स में से, और उन 10 वर्ड्स में से कुछ एक वर्ड्स चुन के उनके रूट वर्ड हम उनसे बनाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। आई होप सो जो मैंने अब तक आपको वीडियो जो प्रोवाइड किया है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होगी। अगर आप नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले मैं 3 सेशन मैं करवा चुका हूँ, आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, वो देखिए। ये भी देख रहे हो, कोई वो नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगी, ये समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, 4th जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले वाली भी जाके देखिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके वन वर्ड जो है वो मजबूत करने में बहुत मजबूत मदद करेगी वो। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, जो हमारा ये सेशन है इसके अंदर ये जो है 4 से लेकर 6 तक चलेगा हमारा, ये 4th जो है ये यही है। और इसके बारे में जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में आपको टीज़र रिव्यू दिया था, उसी के अंदर हम ये करने वाले हैं। तो नाम है हमारा ये जो 4 से 6 जो हमारे सेशन चलने वाले हैं, हो गया हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, कैसे कोई डॉक्टर्स के बारे में हम बात करें, किसको क्या कहते हैं, कौन सी बीमारी को ठीक करने वाले को क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके, टीज़र रिव्यू देखते हैं हम। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन, जैसे कि इंटरनल मेडिसिन हो गया, फीमेल एलिमेंट हो गया। ओके, ये वर्ड जो है वो सेकेंड टाइम आ रहा है, इससे पहले मैं करवा चुका हूँ इस वर्ड्स की मीनिंग जो है मैं आपको करवा चुका हूँ, बाकायदा वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज वाली वीडियो में भी मैं आपको इसका मीनिंग करवा चुका हूँ। ओके, थर्ड वन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, फोर्थ वन हो गया द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, फिफ्थ स्किन डिसऑर्डर्स, डिसीज ऑफ द आई, हार्ट प्रॉब्लम्स, द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। ओके, ये कुछ एक जो बीमारियां होती हैं हम इनके ऊपर देखने वाले हैं, और इनके जो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इनको जो ठीक करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनके ऊपर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। कहता है कि इन दिस चैप्टर वी डिस्कस 10 मेडिकल स्पेशलिस्ट, व्हाट दे डू, हाउ दे डू इट, व्हाट दे आर कॉल्ड, वो क्या करते हैं, उनको क्या बोलते हैं और वो कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें मतलब यहाँ से जिस चैप्टर में देखने वाले हैं, 4th से लेकर 6th इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। इस सेशन में तो हम ये सिर्फ इनके नाम ही देखेंगे। ओके, क्लियर। ओके, हम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम बात करेंगे ना कि वर्ड्स की, हम बात करेंगे आइडियाज़ की। आइडिया जैसे कि ये क्या होता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। ओके, क्या तुम्हारे साथ गलत हुआ, इन द सेंस ऑफ नॉट मेंटली, दिस इज रिलेटेड टू फिजिकल। ओके, टू फाइंड आउट व्हाट इल्स, एट होता है बीमार। ओके, बीमारी कह सकते हैं। ओके, क्या बीमारी है, टू फाइंड आउट व्हाट एल यू एंड व्हाई, कोशिश फाइंड आउट यानी कि खोजना कि तुम्हें क्या बीमारी है और क्यों है। दिस स्पेशलिस्ट गिव्स यू ए थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन यूजिंग एन इम्प्रेसिव एरे ऑफ टेस्ट, एक्सरे, ब्लड केमिस्ट्री, यूरिनलाइज, कार्डियोग्राम एंड सो ऑन। अब क्या होता है कि आपके अंदर आप जाते हो डॉक्टर के अंदर, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या करता है, आपके जो बीमारी है वो ठीक, पहले तो वो चेक करता है कि आपको क्या बीमारी है और क्यों है, तो वो बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजारता है, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि एक्सरे करवाएगा, ब्लड केमिस्ट्री ब्लड टेस्ट करवाएगा, यूरिनलाइज हो गया, कार्डियोग्राम हार्ट चेक करवाएगा, और बहुत सारी चीज़ें वो करवाएगा। तो ऐसे बंदे को
जो आपकी ट्रीटमेंट, मतलब ये चेक करे कि आपको क्या बीमारी है, ओके, डायग्नोज करना, कोई आपको बीमारी को मतलब डायग्नोज करना, उसकी पहचान करना, उसको बताना, तो उसको क्या कहते हैं, एन इंट्रेनिस्ट, इंट्रेनिस्ट, ओके, इंट्रेनिस्ट। इसकी जो है प्रोनंसिएशन हम लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा हम वहां पे इसको देखने वाले हैं, ओके। फिर भी अगर आपको आता है तो बेशक इसे बोलें एक बार जोर से, लाउड से जरूर इसे बोलें, ताकि आपको ये वर्ड याद हो, इसकी प्रोनंसिएशन याद हो। देखिए स्पेलिंग एक अलग होती है, प्रोनंसिएशन भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है उस चीज़ को लेके, तो इस चीज़ को जरूर करिएगा, प्रोनंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फीमेल ट्रबल्स, ये हमने एब्सोल्युटली हमने देखा था इन फर्स्ट सेशन, वी ऑल नो अबाउट इट, हु आर दे, जो हमारी जो वीडियो ये पहले से देखते आ रहे हैं वो इस वर्ड को लेके पहले से जानकार होंगे। एक्विटेंस बोलते हैं उसको, जानकारी जो पहले से किसी को जानते हैं। ओके, दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गेन्स। ये जो स्पेशलिस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होती हैं, उनके जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ही ठीक करने के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए ही एक डॉक्टर होता है। फीमेल ट्रबल्स इसको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट। ओके, ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं, आपको याद होगा, गायनिकोलॉजिस्ट हम कर चुके हैं, हम क्या बोलते हैं, मिसोगैमिस्ट हम कर चुके हैं, ये वर्ड्स हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट वन, हैविंग ए बेबी, एक बच्चा होना। ओके, दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबी एंड टेक्स केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग एंड द इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। ये जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्या करता है, वो डिलीवर करता है बेबी को और ध्यान रखता है माँ का प्रेगनेंसी, जब ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी ये ध्यान रखता है। इसको हम हिंदी में बोलें तो एक दाई होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन, ओके, ऑब्स्टेट्रिशियन। हम देखेंगे इसकी प्रोनंसिएशन बाकायदा। इज योर बेबी इल, अब जो बच्चा होता है वो पैदा होने के बाद फिर वो बच्चा थोड़ा सा बीमार होता है, फिर उसकी देखभाल के लिए एक स्पेशलिस्ट अलग से होता है। ओके, यू नो द कॉमन चाइल्डहुड मेलेडीज, मम्स, वूपिंग, ये कफ है, वूपिंग कफ, चिकन पॉक्स, मीजल्स, क्या होता है कि खांसी होती है, चिकन पॉक्स होता है, मीजल्स होते हैं, ये सब कुछ बीमारियां होती है चाइल्डहुड में, बचपन में। दिस स्पेशलिस्ट लिमिट्स हिज प्रैक्टिस टू यंगस्टर्स, ये जो स्पेशलिस्ट होता है उसकी जो लिमिट होती है वो यंगस्टर्स तक होती है। टेकिंग केयर ऑफ बेबी डायरेक्टली आफ्टर बर्थ, वो बच्चे के ध्यान रखता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद। सुपरवाइजिंग देयर डाइट एंड वॉचिंग ओवर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी डाइट को लेके वो बहुत ध्यान रखता है, उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो डेवलप हो रही है उसको बहुत ध्यान रखता है। गिविंग दैम द सीज ऑफ इनोकुलेशन, इनोकुलेशन होता है उसको टीके लगाना, एक टाइम टू टाइम उसका इंजेक्शन लगाता है वहाँ पे। दैट हैज़ डन सो मच टू डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड सूथिंग देयर एनोक्सियस पेरेंट्स, जो इससे क्या होता है, जो बच्चे की जो छोटी ही उम्र में मौत होने, उसकी मोर्टेलिटी जो होती है, मरने की जो क्या होती है, एक रेशो होती है, उसको कम कर देता है। एंड सूथिंग होता है यानी आराम से करना, जो अनॉक्सियस जो चिंता होती है पेरेंट्स की उसको शांत करता है, उसे क्या बोलते हैं, ये कहलाता है पिडिस्ट्रिशियन, पिडिस्ट्रिशियन। ओके, स्किन क्लियर, ओके, अब एक हमारी त्वचा रोग होती है उसको, त्वचा को साफ रखना या कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट होता है, वो होता है, उसको भी कहेंगे। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। यू हैव हर्ड दी क्लासिक रिडल, रिडल होती है कहानी, आपने एक क्लासिक कहानी सुनी होगी, वट इज द बेस्ट यूज ऑफ पिग स्किन, क्या यूज होता है पिग स्किन का सबसे, आंसर, टू कीप द पिग टुगेदर, मतलब सुअर को एक साथ रखने के। ह्यूमन स्किन हैज अ सिमिलर पर्पज, इट इज इफ वी गेट डाउन द फंडामेंटल। ओके, कहता है कि इंसानों की स्किन भी ऐसी होती है जैसे हमारी स्किन होती है, वो क्या काम करती है, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको एक शेप देती है, उनको बचा के रखती है बाहर की बीमारी से। ओके, वही चीज़ होती है, वट कीप अस ऑल इन वन पीस, जो हमें एक पीस में रखती है। एंड आउटर कवरिंग, जो हमारी बाहर की जो कवरिंग होती है उसको बहुत ध्यान, मतलब कवर करती है। लाइक सो मैनी ऑफ आवर्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स इज सब्जेक्ट टू डिसीज एंड इन्फेक्शन ऑफ वेरियन काइंड्स, रनिंग दी गैमुट फ्रॉम सिंपल एक्ने, एग्जाम्स, थ्रो, एम्पिटिगो, सीरियस
सोर्सियस, सोर्सियस इसको बोलते हैं सोर्सियस एंड कैंसर, ये होता है एक्ने होता है मुहान से, मुहान से होगी, ये होती है खुजली, खुजली की बीमारी होती है, ये एक कुछ इसमें भी एक त्वचा से रिलेटेड एक बीमारी होती है, सोर्सियस हो गया, एक कैंसर हो गया, सारी क्या होते हैं ये स्किन को लगने वाली बीमारी होती है। अब हमारी जो स्किन होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन को बचाते बचाते, जैसे ये बाहर ये इंटरनल ऑर्गन होते हैं इसको बचाते बचाते उसको भी कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है, पोल्यूशन से, डस्ट से, बहुत सारी चीज़ों से, उसको एक केमिकल से उससे बीमारी लग जाती है, उसको खुजली मतलब कि कोई मुहासे हो जाना, बहुत सारी चीज़ें, कैंसर होते हैं, स्किन कैंसर आपने सुना ही होगा, तो उन चीज़ों के लिए एक अलग से स्पेशलिस्ट होता है, देर इज़ ए स्पेशलिस्ट हु ट्रीट ऑल सच स्किन डिसीजेज, जो एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो इस टाइप के सभी स्किन को डील करता है, इसको बोलते हैं ए डर्मेटोलॉजिस्ट, ए डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन हम 10 के 10 वर्ड्स जो हैं उनकी सबकी प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन जो है हमारे सामने, आई आईज के। ओके, ये जो है वर्ड थोड़ा सा गिल वो है, आई से रिलेटेड है ये बंदा। ये वर्ड्स गलत है यहाँ पे। द फिजिशियन, फिजिशियन हुज स्पेशलिस्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ विजन, एक ऐसा फिजिशियन जो होता है जिसकी स्पेशलिस्ट होती है, जो होता है जो भी है, मतलब कि लेडी भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है, कुछ भी, वो जो डील करता है आंखों की बीमारी से, कुछ भी होती है, मेओपिया हो गया, एस्टिगमेटिज्म हो गया, कैटरेक्ट्स हो गया, ग्लॉकोमा हो गया, ये ग्लॉकोमा और कैटरेक्ट्स हो गया, ये दोनों की दोनों मोतियाबिंद, मोतियाबिंद से रिलेटेड होते हैं, और ये जो होता है ये निकट दृष्टि होता है, निकट दृष्टि यानी निकट दृष्टि रोग होता है। एस्टिगमेटिज्म एक ऑल्सो आई डिसीज होता है, एक आंखों की बीमारी होता है, में प्रिस्क्राइब ग्लासेस जो उनको ग्लास देता है उनकी नज़र कम होती है, एडमिनिस्टर ड्रग उनको दवाई देता है, एंड परफॉर्म सर्जरी, और जो ऑल्सो सर्जरी भी करता है उसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा जो आंखों की बीमारी से रिलेटेड जो चीज़ें ठीक करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके क्लियर। हाउ आर योर बोन्स, आपकी हड्डियाँ कैसी हैं, अब हड्डियों से रिलेटेड आ गया यहाँ पे। दिस स्पेशलिस्ट डील्स विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये जो स्पेशलिस्ट होता है वो जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है शरीर का उससे डील करता है, ट्रीटिंग बोन फ्रैक्चर, जो हमारी हड्डी जो होती है वो टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, उससे डील करता है ये। स्लिप डिस्क, आपने बीमारी सुनी होगी, ज़्यादातर ये जो ये प्रॉब्लम होती है वो हम कहेंगे एथलीट्स में या जो जिम करते हैं उनके अंदर स्लिप डिस्क, या जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके अंदर ये बीमारी, बीमारी क्या मतलब कि डिसऑर्डर आ जाते हैं। क्लब फुट हो गया, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, डिसलोकेशन ऑफ द हिप एट्सेट्रा, बहुत सारी ये जो बीमारी होती हैं, डिसलोकेशन ऑफ द हिप ये काफ़ी पाई जाती है एट्सेट्रा, एंड मे करेक्ट ए कंडीशन इधर बाय सर्जरी और बाय द यूज़ ऑफ ब्रेसिस और अदर अप्लायंस, एक जो इन सब डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, करेक्ट करता है, या सर्जरी के द्वारा या ब्रेसिस के द्वारा या अदर उपकरण, अपलायंस होता है अलग एक दूसरे उपकरण यूज़ करना, उनसे इन चीज़ों को ठीक करने वाला, यानी ये बंदा सिर्फ और सिर्फ बोन से रिलेटेड चीज़ें ही ठीक करता है, जो बोन से यानी जो हड्डियों से रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। ओके क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट एट वर्ड हम देख लेते हैं, डज योर हार्ट को पीटर पैटर, पीटर पैटर होता है धड़कना, तुम्हारा हार्ट तेज धड़क रहा है। ये फिर से गलत हो गया, YOUR आना था। डज योर हार्ट, हार्ट गो पिटर पैटर यानी धड़क रहा है, तेज धड़क रहा है। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स डिसीज ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो बंदा, ये जो स्पेशलिस्ट होता है वो जो बीमारी, जो मतलब किस डिसीज को, बीमारी जो इन डिसीज को ठीक करने के लिए होता है वो जो हार्ट से रिलेटेड होती है उसको, या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको ठीक करने के लिए काम आता है, काम करता है, इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट इसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट वन, इज़ योर ब्रेन वर्किंग, क्या तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है। हाँ, काफ़ी अच्छी बात होगी यहाँ पे। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये दो वर्ड्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एक न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, एक साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, देर आर टू डिफरेंट वर्ड्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग, देन
तो थोड़ा सा आप लोगों को कंसंट्रेट करने की थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान से सुनना, इज़ योर ब्रेन वर्किंग, क्या आपका दिमाग काम कर रहा है? दिस फिजिशियन स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, ये जो स्पेशलिस्ट होता है ये स्पेशलाइज होता है एक ऐसे ट्रीटमेंट में जिससे आपकी दिमागी संतुलन खराब हो गया, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस से रिलेटेड होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, उसको हम बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। ध्यान रखना है इस चीज़ को, दिस फिजिशियन स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ए न्यूरोलॉजिस्ट। ये एक बंदा होता है जो ट्रीट करता है इन इन सब टाइप की जो डिसीज होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उन्हें बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, आर यू न्यूरोटिक? दिस स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट टू एलिविएट, एलिविएट होता है कम करना, एलिविएट होता है कम करना, मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। आप दिमागी संतुलन से बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सपोज कि आप एक काम कर रहे हैं, आप उस काम को करने के साथ साथ, माने कि आपको एक वीडियो बनानी है, ओके, यूट्यूब पे आपको एक वीडियो बनानी है, एंड देन यू हैव सो मैनी बुक्स, फॉर एग्जाम्पल आपको एक वीडियो बनानी है इंग्लिश की और आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आपका दिमाग बड़ा ही विचलित चल रहा है, बहुत सारे, ये तो एक मैं सिंपल सा एक उदाहरण चल रहा हूँ, वो उस कंडीशन पे किसी का करियर को लेके हो सकता है, करियर पे बहुत ज़्यादा वो उसका कहता है कि कभी ये करूँ या वो करूँ या ये करूँ, तो उस चीज़ को लेके बहुत मेंटल एलिवेट होता है, कभी कभी पागल होने की स्थिति में आ जाता है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये चीज़ होता है, एलिविएट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस बाय मीन ऑफ वेरियस टेक्निक, बहुत सारी मीन्स जो होते हैं, साधन जो होते हैं, बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेक्निक, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक होती हैं, ओकेजनली ड्रग, ज़्यादातर वो दवाई देते हैं, और इलेक्ट्रोशॉक, और ज़्यादा ही कुछ हद से ज़्यादा हो जाए तो एक बिजली का झटका दे देते हैं, मोर ऑफन प्राइवेट, और कुछ ज़्यादातर तो प्राइवेट जाके उनसे इलाज करवाते हैं, और ग्रुप साइकोथेरेपी, एक साइकोथेरेपी भी वो लेते हैं। इसको, ये जो बंदा होता है, ये जो काम करता है, इसको हम बोलते हैं एक ए साइकेट्रिस्ट, ए साइकेट्रिस्ट। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये 10 वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अब इनकी प्रोनाउंसिएशन, कैसे इनको प्रोनाउंस करना है, और फिर हम इनके ऊपर जो प्रैक्टिस है वो देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करें। कैन यू प्रोनाउंस दिस द वर्ड वर्ड टेक ऑन ए न्यू कलर इफ यू हियर देम इन योर ऑन वॉइस? आपको क्या करना है, आपको खुद बोलना है, तेज बोलना है। देखिए, सिंगल बैठे हो रूम में, चाहे आपकी फैमिली बैठी हो, आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे वर्ड्स याद होंगे, बिना बोले वर्ड्स याद नहीं होंगे, उनकी प्रोनंसिएशन याद नहीं होगी, वरना लगे रहना इस गायनिकोलॉजिस्ट को गायनोकोलॉजिस्ट, गिनिकोलॉजिस्ट, गिनिकोलॉजिस्ट बोलते रहना। ओके, तो इवन अगर आप वो मिस्टेक ना करें, उसके लिए आपको बेटर है कि आप वो प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया था, जो INTERNIST है, उसको आप इस तरीके बोलेंगे, इंटर्न, इंटर्निस्ट, इंटर्निस्ट। ओके क्लियर, इंटर्निस्ट, इंटर्निस्ट, देखना इंटीरनिस्ट नहीं बोलना है, ये TE को टी नहीं लेना, इंटरनिस्ट नहीं करना, ओके, इंटर्निस्ट, इन इन अलग लेना है आपको, ये TERN है, इसको टर्न बोलना है, इंटर्न, इन और जो IST दो चुके उसको आपको जोड़ना है, ओके, इंटर्निस्ट, इंटर्निस्ट, क्लियर यहाँ पे। ओके, गैनिकोलॉजिस्ट, गैनिकोलॉजिस्ट आपको, जीनिकोलॉजिस्ट आप कुछ भी बोल सकते हो, गिनिकोलॉजिस्ट, 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 ओके क्लियर यहाँ पे। ऑब्स्टिट्रिशियन, ऑब्स्टिट्रिशियन, क्लियर, ऑब्स्टिट्रिशियन, ध्यान रखना है, ऑब्स्टिट्रिशियन, ऑब्स्टिट्रिशियन, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट, पीडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन नहीं बोलना है, पेडियाट्रिशियन नहीं बोलना है, पीडियाट्रिशियन, 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 क्लियर यहाँ पे। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं करना है भाई मेरे, क्लियर यहाँ पे। डर्मी भी नहीं बोलना है, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये भी नहीं बोलना है, यहाँ देखो क्या लिखा है, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्लियर यहाँ पे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, 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 कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ओके। ये बहुत थोड़ा सा ना अजीब है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट यू हैव टू ट्राई, अगर आप लोगों के वर्ड्स बोलने हैं तो आपको ट्राई करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे, केवल हार्डवर्क है जो आपको इन वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
ये हो गया न्यूरो न्यूरोलॉजिस्ट 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 क्लियर। यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट 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 क्लियर। यहाँ पे साइकेट्रिस्ट, वीडियो पॉज कर लीजिएगा खुद। केवल 10 वर्ड्स हैं, कोई ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, 10 ही वर्ड्स हैं, बोलने की कोशिश करो। नेक्स्ट। ओके, अब आपको सिर्फ और सिर्फ मैच करना है, ये फील्ड हो गई और ये डॉक्टर हो गए। आपको उस फील्ड के साथ, आपको उसको डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ मैच करना है। वीडियो पॉज करके मैच करिए। चलिए स्टार्ट करें। मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, जो अपनी इमोशनल, क्या कौन सा होगा जो आप दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, जो अगर आपका दिमाग कहीं और भाग रहा है तो वो क्या कौन करेगा, वो होगा साइकेट्रिस्ट। तो हम कहेंगे ए का हो गया, वन का हो गया जे। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मैंने क्या कहा, नर्वस सिस्टम से आपको न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट आपको जोड़ना है, इसका हो गया आपके सामने आई। ओके, स्किन, स्किन से आपको डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया हमारे सामने, ये हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, ये ई हो गया, तो ई की थर्ड का ई हो गया। डायग्नोसिस, इंटरनल ऑर्गन्स, जो आपकी बीमारी को ठीक, मतलब एक बार पहचाने आपको क्या बीमारी है और क्यों है, तो इंटरनिस्ट हो गया। इन्फेंट्स, जो बच्चों के लिए, ओके, जो बच्चों की बीमारी को मतलब वो ठीक करे, वो हो गया पीडिट्रिशियन। पीडिट्रिशियन कहाँ है, ये रहा डी, ये रहा डी हमारे सामने। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस आना था यार, ये फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आना था, ध्यान से रखना इस चीज़ को, आ रहा है ऑर्गन्स। सिक्स हम देख रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये है हमारे सामने गैनिकोलॉजिस्ट। गैनिकोलॉजिस्ट कहाँ है, ये रहा भाई गैनिकोलॉजिस्ट, ये रहा, ये आ गया बी हमारे सामने। आई से रिलेटेड वाला बंदा कौन था भाई, आई से रिलेटेड हमारे सामने था ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया हमारे सामने, ये हो गया एफ। और हार्ट से रिलेटेड क्या था, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया हमारे सामने एच हो गया। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड था ऑब्स्टिट्रिशियन, 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 ये हो गया सी। और स्केलेटल सिस्टम ये था ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ओके, ये हो गया हमारे ऑर्थोपेडिस्ट हो गया यहाँ पर जी। मैच कर लीजिए इन चीज़ों को और नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। और नेक्स्ट है आपको बस, अब यहाँ पे अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, यस और नो में ये स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको बस ये बताना है कि ये यस है और या नो है, ट्रू या फॉल्स, ये आपको बस डिसाइड करना है। तो वीडियो पॉज करके स्टार्ट कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करवा देता हूँ मैं। अब जो नए हैं तो मैं उनको बता देता हूँ आपको क्या करना था। एक ये सेंटेंस पढ़ना था और सेंटेंस के बाद जो लिखा हुआ है यस वो सही है और या नो वो गलत है, बस आपको वो देखना था। चलिए देखते हैं। इज एन इंट्रेनिस्ट एन एक्सपर्ट ऑफ डायग्नोसिस, क्या एक इंट्रेनिस्ट बंदा एक्सपर्ट होता है बीमारी पता करने में, यस हमने ये जाना है, उसका काम ही यही होता है, तो इसका आएगा यस। नेक्स्ट वन इज ए गायनिकोलॉजिस्ट फैमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यस ये हमने पढ़ लिया है कि एक गायनिकोलॉजिस्ट जो महिला होती है उन्हीं के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है वो, तो उसके इसका जवाब हो गया यस। डज एन ऑब्स्टिट्रिशियन, ऑब्स्टिट्रिशियन स्पेशलिस्ट स्पेशलाइज इन डिसीज ऑफ चाइल्डहुड, ओके, चाइल्डहुड से रिलेटेड कौन सा था भाई, जो बच्चों की बीमारी को ठीक करता था। ऑब्स्टिट्रिशियन तो वो बंदा हो गया ना जब प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद माँ का ध्यान रखे, ऑब्स्टिट्रिशियन। और उसके बाद जो बीमारी जो बच्चे को अगर कोई होती है तो उसके लिए पेडिस्ट्रिशियन होता है, तो ये स्टेटमेंट थर्ड जो है वो गलत होती है हमारे सामने। डज ए पेडिस्ट्रिशियन डिलीवर बेबी, नो, ये काम होता है ऑब्स्टिट्रिशियन का, ओके, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे भी फोर्थ का नो है। फिफ्थ आ गया, इफ यू हैड ए स्किन डिसीज वुड यू विजिट ए डर्मेटोलॉजिस्ट, यस अगर हमें कोई त्वचा की बीमारी होगी तो हम किसके पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो इसका हो गया यस हमारे सामने। नेक्स्ट सिक्स हो गया, इफ यू हैड ट्रबल विद योर विजन वुड यू विजिट ए ऑर्थोपेडिस्ट, नहीं हम हड्डियों वालों के पास क्यों जाएंगे भाई, ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब क्या होता है, जो बोन से रिलेटेड, तो हम जाएंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, तो इसका जो है वो सिक्स्थ है वो गलत है। इफ इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एन आई स्पेशलिस्ट, यस इसका करेक्ट हो गया हमारे सामने। डज ए कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर, नो, कार्डियोलॉजिस्ट बंदा वो जो हार्ट की डिसीज को या सर्कुलेटरी सिस्टम को देखता है, तो ये गलत हो गया हमारे सामने, ये नो हो गया। नेक्स्ट वन इज एन न्यूरोलॉजिस्ट ए नर्व स्पेशलिस्ट, यस इसका मतलब यहाँ यस हो गया। इफ यू वर नर्वस टेंस
ओवरली अनॉक्सियस, कॉन्स्टेंटली फियरफुल फॉर नो अपेरेंट रीजन, वुड ए साइकेट्रिस्ट बी द स्पेशलिस्ट टू सी? यस, हम किसके पास जाएंगे? हम चिंता में होंगे, हम बहुत ज़्यादा हमें टेंशन होगी, तो हम किसके पास जाना पसंद करेंगे? हम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पसंद करेंगे। आई होप सो आप लोगों ने देखे होंगे कि आपके 10 में से कितने वर्ड्स आपको सही मिले हैं। नेक्स्ट, एक लास्ट हमारे पास रह गई है, वीडियो पॉज करना है और अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन वर्ड्स के नाम लिखने हैं, तो वीडियो पॉज करो और नाम लिखना स्टार्ट करो। ओके, चलो करें भाई। फॉर ए सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर, देखिए ये आपकी क्या होगा, स्पेलिंग को भी इम्प्रूव करने के बहुत काम आएगा। तो पहला क्या होता है, फॉर ए सस्पेक्ट ब्रेन डिसऑर्डर, जो ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट, देखिए बाकायदा इसने यहाँ पे एक हिंट दे रखा है, एन से स्टार्ट होने वाला है न्यूरोलॉजिस्ट, तो इसकी स्पेलिंग होगी NEUROLOGIST। ओके, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट ये आपको ध्यान रखना था। फॉर ए थ्रू इंटरनल चेकअप, जो एक चेकअप करता है बंदा, आपको डायग्नोसिस मतलब क्या बीमारी है वो बताता है और क्यों है इन चीज़ों के बारे में, वो क्या था, आई से रिलेटेड स्टार्ट है इंटरनिस्ट, क्या होगी INTERNIST। ओके, ये हो गया हमारे सामने। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव स्किन डिसीज, अगर आपको कोई बीमारी है त्वचा से रिलेटेड, तो वो कौन था वो ठीक करने वाला, वो था डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटो। ओके, नेक्स्ट वन फोर्थ है, इफ़ यू हैव ए हार्ट प्रॉब्लम, तो आप इसका क्या आएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, CARDIO LOGIST। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, इफ़ यू आर टेंस फियरफुल इनसिक्योर, तो कौन सा वो बंदा आपको इन चीज़ों से मुक्त करा सकता है, साइकेट्रिस्ट। ओके, साइकेट्रिस्ट, PSYCHI साइकेट्रिस्ट, CHIATRIST साइकेट्रिस्ट। ओके, इसे साइकेट्रिस्ट बोलेंगे हम। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो उस वक्त कौन होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन होता है आपके सामने, तो OOPEL ऑब्स्टी, ऑब्स्टेट्रिशियन, TERICIAN ऑब्स्टेट्रिशियन। ओके, नेक्स्ट वन इज, फॉर सम डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो कौन होता है, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, GYNECOLOGIST गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन, फॉर द चेकअप फॉर योर 2 month old चाइल्ड, वो कौन होता है, वो पेडिस्ट्रिशियन होता है, पेडिस्ट्रिशियन, पेडिस्ट्रिशियन, PEDI ट्रिशियन, TRICIAN। ओके, फॉर फॉल्टी विजन, ये थोड़ा सा लंबा वर्ड हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, OPHTHAL MOLOGIST ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, फॉर कर्वेचर द स्पाइन हो गया ऑर्थोपेडिस्ट, ORTH ऑर्थोपेडिस्ट, PEDIST ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, क्लियर, ये तो थे हमारे 10 वर्ड्स, इनकी हमने 10 तीन बार हमने इनकी प्रैक्टिस भी कर ली है और एक बार हमने इनकी प्रोनाउंसिएशन भी कर लिया है। इसमें अभी तक तो कुछ ऐसा मुश्किल नहीं आया कि आपको वो चीज़ याद ना होए। अब अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर इन्हीं से रिलेटेड इनमें से कुछ एक वर्ड्स हम लेंगे, उनसे कुछ एक नए रूट बनाएंगे, ध्यान से इन चीज़ों को समझ लेना, याद कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ ऐसे ही रिलेटेड, इनसे रिलेटेड वर्ड्स को लेके आऊँगा। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो देने और मैं एक क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ, उन लोगों की तरह नहीं जो आपको 7 मिनट में प्रेपोजिशन कराने का दावा करते हैं। आई होप सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।